विगत दिनों से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी और महिलाओं का प्रजनन का चित्रण किया गया वह कहीं से भी सही नहीं है। जिस तरह से अश्लीलता की हदें पार करते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपमान किया वह कहीं से क्षम्य नहीं है। इसके बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आया और आज दलितों के सर्वमान्य नेता जीतन राम मांझी के साथ सदन में तुम तड़ाक मैंने तुझे बनाया जीतन तुमको देख लेंगे इस तरह से अमर्यादित और असंसदीय बात करके कहीं ना कहीं महिलाओं और दलितों का गुस्सा नीतीश कुमार ने मोल ले लिया है। आज उनके कार्यकर्ता आक्रोश मार्च के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में उनका पुतला दहन किया। आक्रोश का आलम यह था कि लोगों ने उनके पोस्टर पर भी जूते चप्पल से प्रहार किया। हम पार्टी के द्वारा गया गांधी मैदान में आक्रोश मार्च निकालते हुए जिला मुख्यालय तक गया और उनका पुतला दहन किया गया। साथ ही उनका दिमाग के बेहतर इलाज के लिए कार्यकर्ताओं ने भिक्षाटन भी किया ताकि रांची पागलखाने में जाकर उनका बेहतर इलाज कराया जा सके। जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी के नेतृत्व में हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च करते हुए नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और महिलाओं पर दिया गया बयान कहीं से भी क्षम्य योग्य नहीं है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने कहा, यह कितनी बड़ी विडंबना है। बिहार सदन के सबसे वरिष्ठ नेता का जिस तरह से नीतीश कुमार ने सदन में अपमान किया, प्रताड़ित किया, तुप तड़ाक किया, वह उनके लिए गरिमा को शोभा नहीं देता। यह उनके मानसिक दिवालियापन का सूचक है। तत्काल इलाज की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में दिवालिया और पागल घोषित व्यक्ति का किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर रहना उचित नहीं है। तत्काल रूप से इनको भंग किया जाए और मुख्यमंत्री से इनको हटाया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी ने कहा कि जिस तरह से उनका हालिया बयान आया है वह उनके वास्तविक चरित्र को दर्शाता है और जो छिपा हुआ है उनका दोहरा चरित्र था वह उभर कर आया। जिस तरह से एडल्ट फिल्म और बी ग्रेड के फिल्म में नायक अभिनय करते हैं ठीक उसी तरह से सदन में नीतीश कुमार ने अभिनय करके दिखाया, अपनी बात को रखा। महिलाओं के लिए काफी अपमानजनक है। पार्टी के प्रवक्ता रोमेश सिंह ने कहा कि किस तरह से दिवालिया और पागल घोषित कि वह व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है। राज्यपाल संज्ञान लेते हुए विधानसभा भंग करने को घोषित करें। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश सिंह, पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम सचिव और प्रदेश सचिव छोटू कुशवाहा, प्रदेश सचिव अनिल यादव, जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बुलबुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष इकराम खान, जिला युवा अध्यक्ष आयुष पासवान, कार्यकारी युवा अध्यक्ष संतोष सागर, जिला महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रूबी देवी, सावित्री देवी, नगर अध्यक्ष मुकेश चौधरी, पंकज सिंह, राजेश मांझी, विकास कुमार, राम प्रीत मांझी, जिला पार्षद पार्वती देवी, मनोज मांझी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीतीश कुमार, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, खत्म कर दिया। वो आप देखे ना वही हाल ललन तो थम जाता। अरे क्या भाई सीटू लें जी, नमस्कार प्रणाम जी, और मुख्यमंत्री को रांची भेजो, रांची भेजो, रांची भेजो, मुख्यमंत्री को रांची भेजो, रांची भेजो, रांची भेजो, मुख्यमंत्री। गांधी मंडप में आज हम पार्टी सेकुलर के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं महिला मोर्चा के सभी लोग यहां इसलिए एकत्र हुए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी के साथ अभद्र व्यवहार करना, अभद्र वाणी का प्रयोग करना, ये कहां शोभा देता है। इसलिए आज हम लोग इसी के द्वारा हम लोग आज यहां एकत्र हुए हैं और ये आक्रोश मार्च है। इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि देश की जनता भी देख रही है कि नीतीश कुमार अभी किस तरह से अभद्र वाणी का प्रयोग कर रहे हैं महिला के विरुद्ध एवं दलित
लोगों के विरुद्ध का जो व्यवहार हो रहा है इसी के ऊपर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा और पप्पू भैया, गया जिला प्रधान महासचिव। सेकुलर जिला गया के बैनर तले हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के लिए और गया गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकालेंगे, उसके बाद जाकर के टावर चौक पर हम लोग पुतला दहन करेंगे। नीतीश कुमार का जो काम है कुकृत है, पिछले 3 दिनों से पूरा बिहार ने पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं हर एक बिहारी जो है अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले थे, वो कहावत सुने होंगे कि गए थे 24 बन के 26 बन करके निकले हैं, वो हल कर दिया उन्होंने। अब बताइए, उनसे सीनियर लीडर हैं दलित समाज के, खुद को कहते हैं कि हम दलित महादलित के बहुत बड़े हितैषी हैं, तुम तो दलित महादलित को बदनाम पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया है। ये हमारे आपकी रैली से वो गद्दी छोड़ेंगे या माफी मांगेंगे? नहीं, वो माफी तो मांगना चाहिए, माफी तो मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे, खुद से हटे और गद्दी भी छोड़ेंगे। गद्दी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग छोड़ाएंगे उनको, जनता से ज्यादा बड़ा मुख्यमंत्री है। और नीतीश कुमार किसी को बनाएगा? बनाता तो देखिए परिचय दे देते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक पहले सीरियल आया करता था टीवी पे फल्टू पागल है, आज के डेट में पलटू पागल है, ये एकदम पूरी तरह से साबित हो चुका है। परिचय दीजिए। परिचय इकराम खान, हम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और इमामगंज विधानसभा के प्रभारी। भद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री, उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी नीतीश कुमार से ज्यादा सीनियर है, हर चीज में सीनियर है, उनसे सत्ता में भी सीनियर है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो तो बोलते हैं कि जीतनराम मांझी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। अरे और किसी को भी बना लीजिए, जब आप में इतना कैपेसिटी है तो और किसी को भी बना लीजिए, और भी पिछड़ा है, दलित पिछड़ा, उनको बनाकर दिखाइए अगर आप में कैपेसिटी है तो। और जो महिलाओं पर बोले हैं वो भी अभद्र है, वो लगता है पगला ही गया है। परिचय दीजिए। मैं सुषमा कुमारी, हम सेकुलर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा पत्र।